हेलो वन मैनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, द मोस्ट अवेटेड ओटीटी फिल्म आर्चीज का ट्रेलर फाइनली आ चुका है, डायरेक्टेड बाय जोया अख्तर। हमारे साथ में हमारी बॉलीवुड प्रेमी की टीम है, हमारे थर्ड एडिट समृद्ध और मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब। स्वागत है दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। ट्रेलर देखा है हमने आर्चीज का, एंड काफ़ी बड़ी कास्ट है। और मेन हाईलाइट तो मैं बोलूँगा, हमारे किंग खान की बेटी सुहाना खान है। शुरुआत करेंगे फर्स्ट थर्ड एडिट ऑफ मुंबई समृद्ध से। ओके, कैसा लगा आर्चीज का ट्रेलर? देखो यार, ये मैं इतने टाइम से मैं सुन रहा हूँ कि आर्चीज नाम की एक फिल्म आ रही है, वो भी डायरेक्टेड बाय जोया अख्तर, जिन्होंने गली बॉय से जो धारावी में पूरे उन्होंने जो शूट करके एक अभी एक लेविश फिल्म बनने की अभी उन्होंने कोशिश की है, जो एक कॉमिक बुक पे आधारित है, दी आर्चीज नाम की। और उन्होंने सेम कवर एक नाम रखा है दी आर्चीज। इसमें बहुत सारे, मतलब एक बोलते हैं मल्टी स्टार कास्ट बोल सकते हैं, मैं तो बोलूँगा यस, क्योंकि उसमें अपने जो अमिताभ बच्चन के जो है, उनका नाम शायद से मुझे नहीं मालूम, बट अगस्त्या एक अपनी खुशी कपूर भी है, तो अपने सुहाना खान जो बॉलीवुड में डेब्यू कर रही है यार, मतलब फाइनली उनको अभी, मतलब एज इन स्क्रीन पे देखेंगे, बड़े पर्दे पे तो अभी तो टाइम तो लगेगा, लेकिन यस सुहाना खान, मतलब सबकी तमन्ना थी कि कब हम सुहाना को स्क्रीन पे देखते हैं। यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी। मतलब आपने गली बॉय का नाम लिया है, तो हमारा बंटा बच्ची बमाए के पास में आता हूँ। क्या बोलो, ये कैसा है ट्रेलर? हाँ, फाड़ू था। जोया मैम का जहाँ जहाँ नाम आता है, सबसे पहले तो गली बॉय याद आती है, क्योंकि जिस तरीके से डिवाइन और निजी को जो उनकी कहानी चली थी, अब यहाँ पे जो आर्चीज की जो कहानी लेके आए, सारे कैरेक्टर्स जितने भी इसके अंदर है, खुशी कपूर और भी जितने, लेकिन ज़्यादा नज़र जाती है तो सिर्फ सुहाना सफ़र, ये मौसम हंसी, ओह बादशाह की बेटी। अब बोल सकते हैं कि क्वीन इज़ बैक। क्या बात है, ऑब्वियसली, मतलब रियल क्वीन इज़ बैक, क्योंकि बादशाह की बेटी भाई कुछ ऐसा नॉर्मल तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे नहीं। और जिस तरीके से सुहाना मैम यहाँ पे जो उनकी झलक दिखती है कि बोले वेरोनिका इज़ बैक, तो वो खाली सिर्फ इसमें सिर्फ ट्रेलर में ऐसा बोला गया कि वेरोनिका इज़ बैक, ऐसा रियल में देखे जाए तो वो अपने में बोल रहे हैं कि भाई क्वीन इज़ बैक बॉलीवुड में। सारे रिवर डेल को पता चलना चाहिए कि वेरोनिका इज़ बैक, ऐसा डायलॉग दिया। अच्छी लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा एक सोलो डेब्यू होना चाहिए था सुहाना का। लेकिन फिर भी, मतलब अगर इतने बड़े कास्ट के साथ में आ रही है, तो ऐसा लगता है कि यू नो कुछ ज़्यादा, यू नो शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑन हर टैलेंट। प्लॉट के बारे में बात करेंगे, कैसा लग रहा है प्लॉट? देखो, प्लॉट तो मुझे एकदम फ्रेश लग रही है कहानी, मुझे तो लाइक एज एन ये ट्रेलर तो मुझे ओके लगा, मतलब एज एन गुड ट्रेलर, इट्स अ गुड ट्रेलर। बट प्लॉट देखने गया तो इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ दिखाई दिए कि मतलब एक झाड़ को बचाने की कोशिश करने वाले हैं, पर एक बेकरीज है उसमें जो कॉलेज लाइफ, मतलब उन लोगों का क्या जो चलता है। अभी ट्रेलर में तो ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया स्टोरी लाइन, बट जितना तो मुझे लगा तो नेटफ्लिक्स पे लाइक इन्वेस्ट करने वाला वाली तो फिल्म लग रही है। okay, मतलब जो सुहाना का बाप दिखाया है, वो काफी अमीर है, वो कुछ उनका जो बचपन का जो प्लेग्राउंड है, वहाँ पे कुछ होटल या कुछ बांधना चाह रहा है, और फिर बाद में इनके जहाँ पे शॉप है इसके दोस्तों के, वहाँ पे कुछ बड़ा मॉल खड़ा करना चाह रहा है। क्या लग रहा है प्लॉट, कैसा लग रहा है? मेरे को तो ठीक, अच्छा ही लगा, बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर में अपने को देखने को मिला। अब 7 दिसंबर को जब ये पूरी तरीके से आ जाएगी, तब देखेंगे कि इसमें और क्या, जैसा कि आपने बोला कि यहाँ ट्रेलर पे भी अमीर की बेटी दिखाया गया है, तो रियल लाइफ में भी बादशाह की बेटी हुआ है, कम नहीं है कुछ। तो अब जिस तरीके से आती है 7 दिसंबर को, तो हम लोग वेट करेंगे भाई, क्योंकि उससे पहले तो कुछ ऐसा धमाकेदार है नहीं। करेक्ट, अगस्त नंदा को एज अ आर्ची दिखाया है, थोड़ा वहाँ का प्ले बॉय है वो, है ना, वो भी डायलॉग है उसमें कि सभी लड़कियों को घुमाता है ये तो करके। यस यस, कपूर तो चाहिए यार, मतलब उनकी जो एक अदाए है, एक स्वीटनेस है, और सुहाना खान के साथ, अरे मजा आएगा यार देखने के लिए, मजा आएगा यार देखने के लिए। मजे तो मजा आएगा। सबसे पहली बात तो ये गट्स होना चाहिए कि पहली बार सुहाना मैम आए हैं और इतने पूरी कास्ट के सामने वो एक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब अपना डेब्यू इतने लोगों के साथ देना और इतनी खूबसूरती से जो रोल निभाना, वो बहुत। और बाकी के भी कास्ट इसके अंदर है जिन्होंने, मैंने डॉन 2 में देखा था, वो एक सीन में जहाँ पे वो ऋतिक सर के साथ में कार में बैठते, वो पाकिस्तानी एक्टर है, मैं उनका नाम तो जानता नहीं, बट वो भी एकदम डैशिंग लग रहे अपने लुक में जब वो एंट्री करते हैं यहाँ पे। और जो सुहाना के पप्पा बने, वो भी बहुत अच्छे लग रहे इसके अंदर। तो ये कॉमिक पे आधारित है पूरी, अगर आप लोगों ने कॉमिक नहीं पढ़ी है
तो फिर ये फिल्म देख सकते हैं और जान सकते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं कि इंडियन अडेप्टेशन किया है जोया अख्तर ने इस कॉमिक यू नो लेके, एंड इंडियन टाइप की थोड़ी सी कहानी दिखाने की कोशिश की है। बाकी आउटफिट, कॉस्ट्यूम सब एकदम, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक कॉमिक फील दे रहा है यू नो कैरेक्टर्स को। ट्रेलर तो मतलब एवरेज रिपोर्ट आ रहा है ट्रेलर का, कहीं ना कहीं समूह को ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो गुड क्यों लगा, क्योंकि उसमें जो आर्ट डिज़ाइन दिखा ना, आर्ट डायरेक्शन जो दिए है ना, मतलब जिस तरह से लोकेशन हो, कॉस्ट्यूम्स हो, उनके जो सेट्स हो, जिस तरह से उन्होंने जो वो वाला फील दिया, वो ज़माने का फील दिया एज अ कॉमिक पे हम लोग को दुनिया में एक राइड देने के लिए, वो मुझे अच्छा लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जो पूरे जो कैरेक्टर्स है उन्होंने बहुत मेहनत की, जितना तो मैंने सुना मेहनत तो दिखाई दे रही है, डांस है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाए उन्होंने, वो सब तो दिखाई दे रहा है हमको। और आपको क्या लग रहा है, ट्रेलर कैसा लगा है? ओके ट्रेलर तो ओके लग रहा है, ओके मेरे को भी मतलब ठीक ठाक लगा है, अबाउट एवरेज मुझे लगा है ये ट्रेलर। मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखे थे, लेकिन फिर भी अबाव एवरेज का मैं तो वर्डिक्ट दूंगा इसको। अब वेट है हमें 7 दिसंबर का, जब पिक्चर आती है नेटफ्लिक्स पे, तब फुल फ्लेज रिव्यू लेके आएंगे, ऑनेस्ट रिव्यू लेके आएंगे हम हमारे बॉलीवुड प्रेमी की तरफ से। एंड आपको सजेस्ट करेंगे देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए पिक्चर, तब तक आप जाके देखिए ट्रेलर और हमको ज़रूर बताना कि आपको आर्चीज़ का ट्रेलर कैसा लगा। थैंक यू।